नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ खेली श्रद्धालुओं ने होली। पड़ोसी युवती ने दो संग बनाई थी साजन के अपहरण की योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा ने अमृतसर में किया कांग्रेस और भाकपा के खिलाफ रोष प्रदर्शन। पेश है आज के मुख्य समाचार। पूरे देश में होली का त्योहार अनेक प्रकार के रंगों के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर प्यार का प्रतीक होली मनाते हैं। वैसे ही सिख धर्म के सर्वोच्च स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में होली को इस कदर मनाया जाता है कि मानो इंद्र लोक के देवी देवता सब इस पावन दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हों। रात के समय जब सुनहरी पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुखासन स्थान पर लेकर जाते हैं तो श्रद्धालुओं के हाथों में इत्र, गुलाल, कीमती स्प्रे, गुलाब की पंखड़ियां और कई प्रकार के सुगंधित वस्तुओं की बुछार कर माहौल को इस कदर कर देते हैं कि जैसे देवलोक मानव लोक में बस गए हों। माहौल इस कदर हो जाता है कि जैसे पौ माघ के महीने में धुंध होती है। इस अवसर पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने अपने आप को खुशकिस्मत समझा और कहा कि इस प्रकार की होली देखकर मन खुश हो गया है और ऐसी होली की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। सारा नज़ारा बहुत ही वधिया वै, हर साल इस तरह ही हुंदा वै। ऐतकी संगत बहुत ज़्यादा वै, रामदास जी कृपा नाल ऐतकी संगत बहुत ज़्यादा है ते बहुत ही मज़ा आता वै हर साल। सर लोगों लिख के इतने बैलर भी लगे थे पर लोग मनते नहीं है ते पर वैसे है बहुत हार्मफुल है सेहत नूं भी, जिस तरह परफ्यूम्स चल रहे नाल पखे भी वार नाल इस तरह इफेक्ट आता है जिन्हां नूं हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम ते लोगों नूं बेनती है हाथ जोड़ के अगली बारी तो परफ्यूम की वरतों ना करो। फर्स्ट टाइम लाइफ में देखे और बहुत आनंद आया। भावना की बात है, मानते नहीं है, पब्लिक मानती नहीं, भावना की बात है। चलो रंग से ना खेले तो परफ्यूम से ही खेल लें, उनकी खुशी भावना किसी के बना नहीं कर सकते। फूलों के साथ में फूलों से अच्छा लगता है, फूलों से खेलनी फूलों के साथ चाहिए। लेकिन लोग नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत मजा है, बहुत आनंद है, असीम शांति। रंगों का त्यौहार होली जहाँ देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं देश की सरहद पर होली का त्यौहार भी मनाया गया। जहाँ देश के जवानों ने सरहद पर इस त्यौहार को मनाया और एक दूसरे को रंग लगाकर नाच गाकर खुशी जाहिर की। देश की सरहद पर यह नज़ारा कुछ खास था। वहीं आज बीएसएफ के डीआईजी समीर सिंह ने बताया कि हमने पहली बार पाकिस्तान के रेंजर्स से होली खेली है और इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आएंगे। वहीं डीआईजी समीर सिंह ने कहा कि हमने दोनों देशों को मिलाने में किसी भी चीज़ से शुरुआत करनी थी तो होली में बढ़कर कोई और त्यौहार नहीं हो सकता, इसलिए हमने आज पाकिस्तान के रेंजर्स से फूलों की होली खेली है। आज आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में होली मनाई जाती है। हमने एक नई शुरुआत और की, सीमा सुरक्षा बल ने इस बॉर्डर के ऊपर कि आज पाकिस्तान रेंजर्स से मिलकर के होली मनाई है। उन्होंने हमें भी बेस्ट विशेस करने के, हमने होली कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के कामों में अगर सकी नहीं होंगे तब तक हम अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते। उसकी हमने एक पहल की है ताकि आगे कंटिन्यू रहे और एक दोनों आवाम में एक अच्छा मैसेज आए कि दोनों बॉर्डर पर इकट्ठे मिलकर के रहते हैं। और गुमटाला स्थित गुरु अमरदास एवेन्यू निवासी सिमरन ने अपने दोस्त गुरबीर के साथ मिलकर साजन को किडनैप करने की योजना बनाई थी, लेकिन अपहरणकर्ता गलती से 17 साल के संजय और लड्डू को उठा कर ले गए। आरोपियों को गलतफहमी साजन के लाल मफलर से हुई, जिसे घटना वाला दिन लड्डू ने पहन रखा था और वह उसे साजन समझ कर किडनैप कर ले गए। पुलिस के ACP सरदार गुरप्रीत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस के पास एक लड़के को अगवा करने की घटना सामने आई है कि पड़ोस के रहने वाली युवती ने दोस्त संग मिलकर साजन के अपहरण की योजना बनाई थी, मगर वह गलती से लड्डू को उठाकर ले गए और उसे पीटकर छोड़ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो 17 जनवरी 2016 को
हमने थाना कैंट में अनिल कुमार के बयान पर एक मुकदमा दर्ज किया था कि उसका भतीजा संजय कुमार लड्डू जो गली में खेल रहा था उसको कुछ नामालूम व्यक्तियों ने कार में बिठाकर अगवा कर लिया और डेढ़ घंटे के बाद उस लड़के को रंजीत एवेन्यू के एरिया में उसे छोड़ भी दिया था। जो इसी के चलते हमने तफ्तीश कर की है, जो तफ्तीश के दौरान ये बात सामने, हमने इस मुकदमे में चार दोषियों का नामजद किया है, जो चारों में से हमने दो जो मेन मास्टरमाइंड है दोनों दोषी गिरफ्तार कर लिए हैं, जो एक लड़की जिसका नाम सिमरन है और दूसरे दोषी का नाम गुरबीर है। जो ये वाकया ऐसे हुआ कि सिमरन जो उसी संजय इलिस लड्डू के घर के पास ही रहती है, उसको साजन नाम का लड़का कोई उससे छेड़छाड़ करता था, तो उसको सबक सिखाने के लिए सिमरन ने अपने दोस्त गुरबीर सिंह जो अटारी का रहने वाला है उससे सारी बात शेयर की कि तू साजन को सबक सिखा। तो गुरबीर सिंह अपने और दो दोषियों के साथ उस दिन जो इसके घर में पहले इसकी गली में आया और उसने जो उसको ये बात सिमरन ने बताई कि उसने लड़के ने गले में रेड कलर का मफलर पहना होगा। तो हुआ ये कि उसी दिन संजय ने साजन उसका दोस्त ही है उससे को वो अपना रेड कलर का मफलर वापस ले लिया था और उस दिन मफलर रेड कलर का लड्डू ने पहना था। तो गुरबीर सिंह ने उस दिन साजन के को उठाना था लेकिन उसके बजाय उसने लड्डू को उठा लिया और उठाने के बाद उससे पूछा कि तेरा नाम साजन है, तो जब उसने बताया कि मेरा नाम लड्डू है तो उसके साथ मारपीट करके उसको बाद में रंजीत एवेन्यू इलाके में छोड़ दिया था। तो हमने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है, आज हमने इन दोनों को माननीय कोर्ट में पेश करेंगे, इनका रिमांड लेंगे और जो वारदात में इन्होंने कार और वेपन का यूज़ किया था उसको भी रिकवर करेंगे और बाकी दोनों दोषियों को भी उनके ठिकाने पता करके उनको भी जल्दी रिकवर कर लें। जो इन पर मुकदमा नंबर 8 डेट 18/1/2016 अंडर सेक्शन 365/511/34 IPC जो दर्ज किए। तरन तारण के खालड़ा सेक्टर के BOP धर्मा में BSF की 87 बटालियन ने पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए एक पाकिस्तानी को काबू किया। आरोपी मंदबुद्धि बताया जा रहा है, इसकी पहचान अल्ताफ वासी पाकिस्तान के रूप में हुई है। इससे अधिक आरोपी से कुछ पता नहीं लग पाया है। तलाशी के दौरान उससे 20 रुपए के पाकिस्तानी सिक्के बरामद हुए हैं। अल्ताफ को खालड़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया जहां पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सानू बार्डर तो BSF ने फड़ के दिता है। ये तारा दे लागे मतलब शक्की हालत घूम रहा है जिदा ना अल्ताफ लिखा उन्हें BSF वाले ने। बाकी ये मत बुद्धि लगता जो कुछ दस नहीं दिया, पहली इन्वेस्टिगेशन तो बाद पता लगे कि ये कोई पाकिस्तान के सिक्के है। हाँ जी पर्चा दर्ज कर लिया, बाकी पक्का एड्रेस भी नहीं है पाकिस्तान का दादा जी शशि थरूर की ओर से कन्हैया को शहीद भगत सिंह से तुलना करने और भाकपा की वृद्धा करात की ओर से बोलने की आजादी संबंधी दिए गए बयान के विरोध में आज भाजपा की जिला इकाई की ओर से अमृतसर में कांग्रेस और भाकपा के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में भाजपा के जिला प्रधान नरेश शर्मा ने बताया कि आए दिन कांग्रेस पार्टी और भाकपा अपनी दोनों देश विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके विरोध स्वरूप आज यहां विरोध प्रदर्शन किया गया, देश विरोधी मानसिकता का पुतला भी फूका गया। भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों पूरे हिंदुस्तान दे विच देश प्रधानता नूं मुंह तोड़ जवाब देने वास्ते तीन दिन का एक कार्यक्रम लिखा गया सी, जिस दे विच 23 मार्च नूं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का शहादत दिवस पूरे हिंदुस्तान दे विच जिथे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मनाया उत्थे हिंदुस्तान के निवासियों ने पूरी श्रद्धा के नाल शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का शहादत दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी के वलों 24 तरीक का
होली का कार्यक्रम भी रखा गया सी पूरे हिंदुस्तान दे विच नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे विच जिते होली हिंदुस्तानियों वालों मनाई जाती है। लेकिन इस बार 24 मार्च का होली का एक खास मकसद सी कि देश भगती दे विच ओत प्रोत रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला की धुन दे उपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदुस्तानियों ने देश विरोधी ताकतों को मूँह तोड़ जवाब देने वास्ते 24 मार्च की होली का आनंद माणिया सी। अज 25 मार्च को पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के वलों ही कार्यक्रम उलीकिया गया सी कि देश विरोधी ताकतों का वो लोग शशि थरूर वर्गे लोग वरिंदा करात वर्गे लोग कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और वर्कर जिहड़े देश विरोधी ताकतों समर्थन देने वास्ते देश नूं तोड़न विच अपना विश्वास रखते हैं उन्हां ताकतों नूं मूँह तोड़ जवाब देने वास्ते पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के वलों कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की देश विरोधी मानसिकता का पुतला दहन करने का कार्यक्रम सी। सो अज भारतीय जनता पार्टी अमृतसर के वलों युवा मोर्चा बीसी मोर्चा और सारे कार्यकर्ता के सहयोग के नाल अज इत्थे उस मानसिकता का पुतला दहन किया गया। सो तुहाडे चैनल के माध्यम के नाल मैं पूरी हिंदुस्तान की जनता को यह अपील करना चाहना कि अज मौका है देश विरोधी ताकतों को मूँह तोड़ जवाब देने का और सानू किस पार्टी के नाल खड़े होना पड़ेगा यह गल सोचने की लोड़ है। 23 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में शहीदों का मान सत्कार होया। कल 24 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में होली का त्यौहार मनाया। मानयोग मोदी साहब साढ़े समाज के जिन्हें बीजेपी के बोले बहुत बार सत्कार जो मानयोग जोशी साहब ने अमृतसर के वर्करां नाल होली खेल के वर्करां का बहुत वड्डा मान वधाया है। अज 25 मार्च को देश के कौम के गिरदारों का पुतला साड़िया है। राहुल गांधी ने बहुत ही गिरदारी काम किया है साढ़े देश के शहीद आजम उन्होंने बरखिलाफ आम फुद्दू बंदियां दा बराबरी करके साडे देश के शहीद आजमां का सिर नीवा किया है। उहदे रोल दे विच बीजेपी पूरे हिंदुस्तान दे विच राहुल गांधी गिरदारां दा दूजिया पार्टियां ने रल के इन्हों का पुतला साड़िया है। बहुत ही शर्मनाक गल है एक हिंदुस्तान का नेता हो के समाज का किरदार कौम का किरदार पार्टियां का किरदार इस करके वाल्मीकि आदि धर्म समाज पूरी भारतीय जनता पार्टी इस किरदार का पुतला साड़ के इन बहुत ही वड्डा नीच समझते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ खेली श्रद्धालुओं ने होली। पड़ोसी युवती ने दो संघ बनाई थी साजन के अपहरण की योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा ने अमृतसर में किया कांग्रेस और भाकपा के खिलाफ रोष प्रदर्शन। कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, कल तक के लिए दीजिए इजाजत।